नमस्कार। राखी का त्यौहार भाई बहनों का त्यौहार होता है। शुभ समय में और शुभ अवसर पे राखी का ये जो है पवित्र धागा भाई के बहन बांधती है। पहले टीका करती है, उसके बाद उसकी आरती करती है, मिठाई खिलाती है, फिर राखी बांधती है। तो इस तरह से ये त्यौहार मनाया जाता है और भाई अपने कर्तव्य को निभाता है, बहन भी अपने कर्तव्य को भाई के प्रति निभाती है और भाई जो है बहन के प्रति जो कर्तव्य है वो हमेशा निभाने का वादा करता है। तो इस प्रकार ये त्यौहार मनाया जाता है। वैसे अगस्त 30 को 30 अगस्त को ये त्यौहार मनाया जा रहा है क्योंकि सावन की पूर्णिमा को ये त्यौहार मनता है, तो 30 अगस्त को त्यौहार मनाया जा रहा है। इस दिन सुबह 10:12 पे पूनम जो है लगेगी और पूर्णिमा लगते ही भद्रा चालू हो जाएगी। उसी समय भद्रा चालू हो जाएगी और रात को 9:02 तक भद्रा रहेगी। तो कई लोग भद्रा में बांधते नहीं हैं राखी और कई लोग राखी बांधते हैं, तो ये त्यौहार मना भी सकते हैं उस दिन। और कई लोग जो नहीं मनाना चाहे तो 9 बजे बाद जो है आप शुभ समय में आप राखी निकाल सकते हैं और उसके साथ मिठाई वगैरह जो भी रखनी है आपको, सिंदूर और चावल अलग से, जिसके राखी बांधनी है उसका नाम का अलग से निकाल के शुभ समय में और आप रख सकते हैं। और 31 तारीख को सुबह 7 बजे तक है, यदि सुबह 7 बजे के पहले बांधे तो ठीक है, नहीं तो आप पूरे दिन जो निकाला हुआ है आपका रात्रि 9 बजे बाद जो भी आपने राखी जिसके नाम की निकाली है, तो 31 तारीख को आप किसी भी समय में उस पवित्र धागे को बांध सकते हैं और आप अपने इस कर्तव्य को निभा सकते हैं। इस प्रकार जो है राखी का त्यौहार आप 31 तारीख को मना सकते हैं। नमस्कार।